हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद आयुषी। आज इंट्रो की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं लाइव बोलने वाली हूँ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी नॉइज डिस्टर्बेंस आए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा माइक खो गया है। और जैसे कि आज जो वीडियो है, आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू है। PR थोड़ी खुशी भी है, और मतलब यार PR आया है, मुझे मिला है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है। किसी को फ्री फ्री में कुछ मिले ना तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। और जैसे कि सबको पता है कि लुक एट माई हेयर्स, सो बाउंसी, सो शाइनिंग, तो मुझे अपने बालों से बहुत 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 प्यार है, सब जानते हैं ये चीज़। और मैं एक्सपेरिमेंट्स भी करती रहती हूँ, लाइक केमिकल्स, हाईलाइट्स एंड स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने अपने बाल को वेव कर्ल किया है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक है, स्पेशली अपने बालों के साथ। तो मैं अपने बालों का उतना ही ध्यान रखती हूँ। तो जो भी मैं आज प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ, वो मैंने एक बार टेस्ट किया है, मुझे पसंद आया, इसलिए मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। और आई होप यू गाइस लाइक इट। एंड चलो विदाउट एनी फर्दर डू, वी स्टार्ट द वीडियो। यस, सो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है एक हेयर ऑयल। हेयर ऑयल यू नो बहुत ज़रूरी होता है हमारे रूट्स के लिए और हमारे हेयर के लिए, स्ट्रेटन के लिए, मतलब स्ट्रेंथ जो होती है ना हेयर की, लाइक दिस। तो यार इन सब चीज़ों के लिए ना बालों का हेल्दी होना अंदर से नेचुरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्रोडक्ट रिव्यू करा है। मैंने पहले उसे कुछ टेस्ट किया है एक दो दिन, देन मैं उसका रिव्यू करने जा रही हूँ। और मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, और तो लेट नहीं करते हैं। दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज अश्योर हेयर ऑयल एनरिच विद अर्निका एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री ऑयल। अर्निका एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल बहुत एसेंशियल ऑयल होता है, विटामिन ई होता है उसमें, और ये नॉर्मल हेयर के लिए है। और नॉर्मल हेयर के लिए है, जैसे कि मेरे हेयर इस टाइम नॉर्मल है, बहुत फ्रिजी नहीं है, बहुत डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ फ्रिजी हेयर के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। नॉर्मल हेयर लाइक ये एक वाइट कलर की ऐसी पैकेजिंग में आता है, काफ़ी सेक्सी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। एंड उसके बाद इसका जो ऑयल है वो काफ़ी हल्का ऑयल है, लाइक वेरी लाइट इन टेक्सचर, वेरी लाइट इन टेक्सचर, और बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, लाइक जैसे बहुत स्टिकी स्टिकी ऑयल होते हैं, नो नॉट लाइक दैट, बहुत ही। और इसकी फ्रेग्रेंस लाइक बहुत हल्की, बहुत लाइट, बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। तो किसी को फ्रेग्रेंस से अगर प्रॉब्लम होती है, लाइक मी, मुझे फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है, मैं डियोस वगैरह नहीं यूज़ करती, तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है और नॉन स्टिकी है, और ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसको आप अपने रूट्स पे अप्लाई करेंगे, या तो आप कॉटन के थ्रू, या आप फिंगर पे लेके आप एक बोल में निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिंगर के थ्रू, लाइक मैं अभी अप्लाई करके दिखाती हूँ, लिया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे फिंगर्स पे लेके, देन आई अप्लाई टू माई रूट्स, रूट्स पे, और अच्छे से अप्लाई करना है कि अच्छे से आपके रूट्स को मॉइस्चराइज करें। बहुत लाइट वेट है, अगर मैं वेट की बात करूँ, बहुत लाइट वेट है, लाइक मैंने अभी ऑयल अप्लाई किया है, जस्ट सी द बाउंस इन माई यो, जस्ट सी द बाउंस। और आपको अभी लग रहा है, अगर इफ फॉर द डिस्टर्बेंस मेरे पास कॉल आइट, जस्ट सी द बाउंस, मैंने अभी ये ऑयल यूज़ करा है अपने हेयर पे, एंड जस्ट सी, लग रहा है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्टिकी, कहीं से लग रहा है नहीं। बॉयज़ जो होते हैं ना, वो डेली यूज़ करते हैं ऑयल, आई रिकमेंड दिस टू बॉयज़ ऑल्सो, आई रिकमेंड दिस टू बॉयज़ ऑल्सो। बॉयज़ डेली यूज़ करते हैं ऑयल, और वो चाहते हैं कि स्टिकी और ग्रीसी ना हो ऑयल, तो बॉयज़ के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। साथ में इसमें बहुत टी ट्री ऑयल है और अर्निका एक्सट्रैक्ट्स। अर्निका एक्सट्रैक्ट्स क्या करते हैं, आपके बालों को डैमेज और बोलते हैं ना हेयर फॉल रोकते हैं और न्यू हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट आपको ये यूज़ करना है, मैंने यूज़ करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक दो बार के यूज़ में, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंडेड हेयर ऑयल। और आप इसे रूट्स पे लगाएं, देन टिप्स, टिप्स ऑफ द हेयर, जैसे कि ये मेरी टिप्स ऑफ द हेयर हैं, ठीक है, टिप्स पे आपको ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि टिप्स लोगों की काफ़ी डैमेज होती है, मेरी भी होती है, मुझे तो अभी कटिंग करनी है, टिप्स काफ़ी डैमेज होती है लोगों की, तो टिप्स भी आपको कवर करना है।
तो आई थिंक ये ऑयल सबको मैं रेकमेंड करूँगी। मैंने आज ही मॉर्निंग में काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप पे मतलब हेयर ऑयल की प्रॉब्लम हो रही है, मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो ये हेयर ऑयल मैं सबको रेकमेंड करूँगी। अगर आपको इसे परचेज करना है तो आप बेस्ट चीज़ की एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन परचेसिंग एप्लीकेशन। अदरवाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। मैं काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे सकती हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे सकती हूँ जिस पर्सन से आपको परचेज करना है। ओके सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आज के लिए मेरी यही प्रोडक्ट रिव्यू है। एंड नेक्स्ट टाइम कोई नया प्रोडक्ट आएगा या कोई नई रिकमेंडेशन आएगी तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द सजेशंस। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, अगर आपको ये जो फ्लॉलेस लुक है, ग्लोई लुक है, ये देखना है तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है ये लुक पे ही आने वाली है। तो श्योर, कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।